गौरी घास खा रही है, घास खा रही है तू। ए गौरी गोपाल, ए मुन्नन माई, क्या कर रही है तू? घास खा रही है, माँ नहीं आ रही है। जो ये हरा हरा दिख रहा है चाय का बगवान है नीचे, और यहाँ से आग लग गई पूरे बांझ के जंगल में। देखो तुम वो बांझ के जंगल में क्या आग आग लगी, यहाँ पूरे यहाँ से आग लगी। ये गांव गांव है, यहाँ से आग लगी। अभी भी वो धुआं चल रहा है, उधर पूरा बांझ का जंगल जो है जल गया। जो छोटे छोटे पेड़ थे उनको नीचे थे, लेकिन ये चाय का बगवान बच गया। आज हम यहाँ पिकनिक मनाने के लिए इधर बैठ रखे हैं कुछ लड़के, ये सीकू की एक धार में। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि आग के प्रति लोगों की संवेदनाएं नहीं है। बांझ सैकड़ों साल में बांझ का एक पेड़ जन्म लेता है, उसको एक बड़ा पेड़ बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। लेकिन क्या करें, अभी जो है जितना भी आप देख रहे हो, कुछ असामाजिक तत्व कहीं से भी जहाँ से भी आके वो इधर उधर आग लगा देते। नीचे चाय का भगवान है, कुछ हरा भरा भगवान हो तो बच गया, लेकिन आप भी देख रहे हो कुछ जहाँ से भी लग गया वो आग अभी भी जल रही है। पहले के टाइम पे वो तो बुझवा देते थे किसी भी तरह से, लेकिन अब इतनी भयंकर होगी कि बगल में बिल्कुल चीड़ का जंगल है उधर, तो इतना आसान नहीं होता। जैसे ये चीड़ के जंगल में पेरुल होता है, ये आग को बिल्कुल पकड़ लेता है, इसको मुश्किल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आखिरकार हर साल उत्तराखंड में ऐसे ही जंगल जलते रहते हैं। हमारे वन्य कर्मी भी क्या कर सकते हैं, जब बंजर खेत है, ये है वो है, तो सब पे भी जो है हर आदमी की अपनी जिम्मेवारी होती है, होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने निस्वार्थ, कुछ अपने कच्चे उसे स्वार्थ के लिए काम कर लेते हैं। देखो देखो हाँ बोलो। Oh,
Yeah.
अब जो है घंडियाल देवता जो है घंडियाल नाचने के बाद पंडो नाच रहे हैं। Thank you.
Oh,
Yeah, boy.